राजस्थान पीएससी का जो एसीएफ एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड, तो उसके लिए ये 10-12 लेक्चर का लगभग एक सीरीज सर आएगा। पर्पस यही है कि ये कोई अलग लेक्चर सीरीज नहीं है, ये आपको जो मेन सीरीज के जो आपने वीडियो देखे हैं जो आईएफएस 2019 के लिए थे वही देखना है। बट इसका केवल पर्पस ये है कि जो पुराना सिलेबस है जिसे आपने जो वीडियो आपने देखे हैं उस सिलेबस काफी बड़ा है, लगभग वो कवर करेगा आपके 800 पेजेस के समथिंग, इससे प्लस में चला जाएगा। इसके बाद भी आपका ये इतना कवर करने के बाद भी ये लगभग आपका 85% ही कवर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो डिजाइन किया गया था वो किया गया था आईएफएस 2019 के लिए, तो बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, पॉइंट है, कोई साइंटिस्ट का नाम है, तो इस टाइप की चीजें हैं जो इसमें कवर नहीं होंगी, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसी चीजों के लिए अगर आप कोई बुक रिफर करते हो तो अभी हाल फिलहाल तो ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड हो, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए। तो जो रेफरेंस के लिए वो अदर बुक्स हैं दो, जिन्हें मैं नीचे डाल दूंगा, उनकी लिंक मिल जाएगी आपको। रिमेनिंग है तो ये बुक, ये जो लेक्चर सीरीज है इसका केवल पर्पज यही है कि एक तो आपको जो 800+ जो पेजेस हो रहे हैं कैसे उन्हें कम किया जाए, यानी कि 300 या 400 तक कम कर दिया जाए, तो जो उनमें जो अपने जो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको रिमूव कर दिया जाए जिससे अपना थोड़ा वर्डन कम हो। सेकंड, कुछ चीजें जो छूटी हुई है उनको भी अगर शामिल कर दिया जाए तो बेटर है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इधर उधर से ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जो बुक्स है उनमें भी इजिली नहीं मिल पाता है। तो ट्राई यही करेंगे कि इसमें ज्यादातर चीजें कवर हो जाए, लेकिन इसमें हम ये नहीं होगा कि हर चीज को डिस्कस करेंगे। आपने मेन वीडियो लेक्चर सीरीज देख ही रखी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट पॉइंट बताते जाएंगे कि क्या पढ़ना है, किसे आप छोड़ सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ लोगों के इशू था कि अगर जो 85% ही अगर सिलेबस ये कवर कर रहा है तो 15% के लिए कोई बुक्स बता दो। तो बुक्स दो है, एक हुसैन की है और एक केटी प्रतिवन की। अगर आपके पास मणिकानंदन है तो आप मणिकानंदन को भी रेफर कर सकते हैं, बेटर है हुसैन को पढ़ लो, क्योंकि वो जो जिस बंदे ने लिखी है वो आईसीआर से ही है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था वो नोट्स, उन्हीं के नोट्सों को उन्होंने बुक फॉर्म में दे दिया है, तो वो कहीं ना कहीं एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए अच्छा है। मीन्स ये नहीं हुआ है कि वो बहुत अच्छा है, बट ज्यादा घटिया में से कम घटिया बुक ज्यादा बेटर है, इस टाइप की कंडीशन है। तो यहाँ पर ट्राई करेंगे कि सिल्वी कल्चर जो है, आपके पास अगर पुराने नोट्स है 2019 सीरीज की अगर नोट्स है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मीन्स जो चाहिए वो उसमें भी है। यहाँ पर सिल्वी कल्चर से शुरू करेंगे, तो एक एक करके सभी कुछ देख लेते हैं। इससे अपना कोई पर्पज है नहीं, यहाँ पर मैन मुद्दा था अपना पॉइंट, फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर अपना जो फॉरेस्ट था इसकी जो डेफिनेशन थी, यहाँ पर पूछा जाता है हमेशा एक ही टर्म पूछा जाता है कि ये लैटिन टर्म है। लैटिन टर्म है क्या? फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? आउटसाइड ऑफ विलेज बाउंड्री। तो इससे हमेशा या तो आपसे एक ये लैटिन टर्म पूछ लिया जाता है, या आपसे फॉरेस्ट पूछ लिया जाता है, या आपसे पूछा जाता है कि फॉरेस्ट का सेंस क्या है या फॉरेस्ट का मतलब क्या है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा विलेज बाउंड्री के आउटसाइड, जो आउटसाइड चला जाए। इसके बाद यहाँ पर आती है डेफिनेशन। यहाँ पर तीनों डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन का केवल इतना पर्पज है, आपको कोई याद नहीं रखना है, बस इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन है, ये है, तीनों ही देखना है आपको। इकोलॉजी की इसका कोई पर्पज नहीं है, बट मैंने इतना ही है कि वो सीधा सीधा क्वेश्चन में एमसीक्यू एग्जाम में पूरा डेफिनेशन लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि किसकी डेफिनेशन, मीन्स है फॉरेस्ट है, दूसरा होगा इस टाइप की सिल्वी कल्चर है, थर्ड लिखा होगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इस टाइप का टर्म लिख दिए जाते हैं, तो आपको जो फॉरेस्ट आएगा उसी को करना है। तो इसका डेफिनेशन केवल इतना समझ लेना है कि पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से लगभग ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है। ये जो सिल्वी कल्चर है, सिल्वी कल्चर ऑलमोस्ट आपका कोई भी पेपर होता है उसका 20 से 30% जो क्वेश्चन है वो अकेले सिल्वी कल्चर से आ जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं।
इनका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है, ये इवन एजेड का अनइवन एजेड का क्वेश्चन आ जाता है कि इवन एजेड या रेगुलर फॉरेस्ट है, इन्हें आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर ये नीलाम्बर टिक प्लांटेशन है, ये पूछा गया कि ये नीलाम्बर टिक प्लांटेशन कब की गई थी, तो ये की गई थी 1842 में। ठीक है, बकाया का आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर कई बार पूछा भी गया कि देखो फॉरेस्ट जो है वो जंगल में आपको कभी नेचुरली तो कभी इवन एजेड मिलते नहीं है। अब ऐसे केस में आप कोई भी पेड़, क्योंकि जंगल में एक साथ तो लगे नहीं ना, सभी डिफरेंट टाइम पे ग्रो किए गए हैं। इन दैट केस अगर सपोज कहीं फॉरेस्ट का कोई कंपोजिशन, यानी कि कोई आपका साइट है, फॉरेस्ट साइट है, वहां पर अगर आपने जो पेड़ों को देख लिया, अगर उनके बीच का जो एज डिफरेंस है, अगर वो सपोज जो फॉरेस्ट है वो 100 ईयर का है, मतलब 100 ईयर कोई ट्री है या मैन एज है, उनका रोटेशन है 100, तो अगर उनके बीच का जो एज वेरिएशन है, यानी कि कोई है वो 75 से 100 के बीच में अगर ट्रीज है, तो हम उसे इवन एजेड ही कंसीडर कर लेते हैं। जो भी उसका रोटेशन एज है, अगर उसका रोटेशन एज का 25% तक वेरिएशन है, तो हम ट्री को ये नहीं करते कि कम है नीचे है अनइवन एजेड में कर देते, हम उसे इवन एजेड में कर लेते हैं, क्योंकि तो फॉरेस्ट में एग्जैक्ट 100% होना कोई कंपल्सरी जरूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इस पे तो एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है, जिसमें सीधा पूछ लिया जाता है कि सीड से जो हम फॉरेस्ट ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो हाई फॉरेस्ट, ये कम से कम 15-20 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सीड से जो है वो हाई फॉरेस्ट है और कोपाइस से जो है उन्हें हम कोपाइस फॉरेस्ट बोल देते हैं। तो सीड वाले को ही हम हाई फॉरेस्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है। नेचुरल या मैन मेड का कोई मुद्दा यहाँ पर अपना है नहीं, आप एक बार में समझ लेते हो। अब एक अपना पर्पज जो क्वेश्चन आता है वो आता है इससे, कंपोजिशन से, कि प्योर फॉरेस्ट और मिक्स फॉरेस्ट। तो मिक्स फॉरेस्ट का आप समझते हो कि जहाँ सभी वेजिटेशन है, बहुत सारी एक साथ वेजिटेशन है, तो ऑब्वियसली वो मिक्स है। प्योर का मतलब ऐसा कंडीशन, या आपका कोई जो लोकेशन यानी कोई साइट है, फॉरेस्ट साइट है, वहां पर जो स्पीसीज है वो मेजोरिटी में एक ही स्पीसीज हो, तो आप उसे प्योर बोल लोगे। लेकिन ये जो हमारी आर्टिफिशियल प्लांटेशन है वहां पर तो प्योर होना पॉसिबल है, लेकिन फॉरेस्ट में कभी ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही स्पीसीज हो, जैसे फॉरेस्ट स्टैंड बोलते हैं एक्चुअली, उसमें एक ही स्पीसीज 100% डोमिनेंट कभी हो नहीं सकती। तो इन दैट केस जनरली फॉरेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई स्पीसीज 50% से ज्यादा बना रही है, अगर कोई फॉरेस्ट स्टैंड है, अगर उसमें कोई स्पीसीज है वो इसका 50% से ज्यादा कंपोजिशन बना रही, तो हम उसे प्योर मान लेते हैं कि हम इसे प्योर फॉरेस्ट है। जैसे अगर एक सतपुड़ा का कोई फॉरेस्ट स्टैंड है, सतपुड़ा फॉरेस्ट एरिया में एक पैच है जिसे बोल दिया फॉरेस्ट स्टैंड, अगर यहाँ पर टीक जो है वो इसके 50% स्पीसीज अगर टीक के हैं, 50% प्लांट टीक के हैं, तो हम इसे टीक फॉरेस्ट बोल देते हैं। लेकिन इसके साथ इशू यहाँ पर क्या है कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ये ध्यान देना है कि ऑप्शन में और क्या ऑप्शन है। अगर उसमें 50% और 80% दोनों है, तो इन दैट केस हमें 80% पे ही जाना है। इसके पीछे रीजन ये है कि ज्यादातर बुक में ये 80% को ही प्रेफर किया गया है, लेकिन कुछ में ये बाई मिस्टेक 50% भी ऑप्शन में है। तो जिनमें ये 50% है, तो जो एग्जामिनर है अगर वो ध्यान नहीं देता है, या उसने ऐसी रफली किसी बुक को देख करके एमसीक्यू बना दिया, तो कभी कभी ये 50% वाला ऑप्शन डाल देता है। तो अगर ये भी ऑप्शन में है तो 50% दे देना, वो लिखा होगा मोर देन 50%। अगर किसी फॉरेस्ट में वेजिटेशन 50% से ज्यादा है, तो हम उसे प्योर मानेंगे या प्योर स्टैंड मान लेंगे। अगर ये ऑप्शन सीधा सीधा है तभी हम इसे प्रिफर करेंगे, अगर उसमें 80% भी ऑप्शन है तो हम 100% 80 वाले को ही क्लियर लगाना है, आपको गोला भरना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है, ज्यादातर लोग इसी को रिफर करते हैं, बट ये कुछ ने गलती से मान सकते हो इसलिए। तो अगर किसी वेजिटेशन का सपोज इसका जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 80% है, अगर 80% से वेजिटेशन ऊपर है तब हम बोलेंगे प्योर, अगर उससे नीचे है तो क्या बोल देंगे, नीचे है तो मिक्स। सीधा से बात ओनरशिप के बेस पे आता है, तो ये गवर्नमेंट ओन है, दूसरा प्राइवेट। अब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है 96% तो गवर्नमेंट ओन है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट जो है वो तो जनरली जो कॉरपोरेशन है, जैसे स्पेशली जो पेपर मिल है उन्हीं के पास है, जैसे बिल्ट है,
कुछ पंचायत वाले भी हैं, ये जो पंचायत फॉरेस्ट या सोसाइटी फॉरेस्ट है, जैसे कि पंजाब है या हरियाणा है, ये तो कहाँ एंशियंट टाइम से यहाँ पर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, यहाँ जंगल तो कुछ बचा नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक चीज और याद रख लो कि जब पंजाब है हरियाणा है, यहाँ पर फॉरेस्ट थे, जब यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है तो यहाँ पर ट्राइब होंगे क्या? ट्राइबल ट्राइबल वो होते हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंड है, यानी कि लाइवलीहुड उनकी जो डेफिनेशन है। तो जब यहाँ फॉरेस्ट नहीं है तो ट्राइबल भी नहीं है। तो यहाँ पर कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेट जिसमें ट्राइबल नहीं है, दो तीन बार क्वेश्चन आया है, तो उसमें सीधा सा है कि पंजाब हरियाणा जहाँ जंगल ही नहीं है तो ये ट्राइबल कहाँ से आ गया है? अब क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ नेचुरल फॉरेस्ट तो है नहीं, तो यहाँ आर्टिफिशियल यानी कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है या सोसाइटी फॉरेस्ट या पंचायत के अंदर है, इस टाइप के फॉरेस्ट लगाए जरूर गए हैं। तो अब हम फॉरेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन वो उस टाइप का पर्पज है कि नेचुरल नहीं है। फॉरेस्ट को फंक्शन के बेस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर देखो, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर और दूसरा है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इन दोनों के इशू है। हमें जो याद रखना है वो याद रखना है 1952 की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। देखो, हर फाइल कोई भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है, वो कोई कुछ ना कुछ टाइप के अपने हिसाब से फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर देती है। हमारा पर्पज यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफाई को याद रखना है। ये बोलती है कि यहाँ पर चार टाइप के फॉरेस्ट होना चाहिए। बोला, एक तो होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट होंगे जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज करेंगे, जैसे डिफेंस को यूज करना है या गवर्नमेंट का पर्पज है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, या फॉरेस्ट कवर्स है या वाटर कंजर्वेशन है। तो इस टाइप के जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज हो रहा है वो है नेशनल फॉरेस्ट। दूसरा, जो विलेज लेवल पे यूज होता है, यानी कि जो विलेज की सोसाइटी के लिए यूजफुल है, वो है विलेज, क्योंकि देश गांव से मिलकर बना है, तो उस टाइप का एक नेशनल फॉरेस्ट है, दूसरा विलेज फॉरेस्ट है। थर्ड वो है कि जो फॉरेस्ट ना होकर ट्री है स्कैटर्ड फैले हुए हैं, तो थर्ड क्या हो गया? ट्री लैंड। इसके बाद चौथा क्या होगा? प्रोटेक्टेड। देखो, ये तो तीन है जो यूज कर रहा है, यूटिलाइजेशन के लिए पर्पज है हमारा, ये वो है जो प्रोटेक्शन पर्पज है, यानी कि ये प्रोटेक्शन के लिए है और ये प्रोडक्शन पर्पज है। तो इस टाइप से चार टाइप के फॉरेस्ट हैं, किसके अकॉर्डिंग? फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इस पे एक बार क्वेश्चन आया था कि फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, तो ये भी आ चुका है। और इसमें कौन है जो कौन सा फॉरेस्ट का टाइप नहीं है, तो इसमें जो ट्री लैंड है वो ट्री लैंड की जगह उन्होंने पास्चर लैंड इस टाइप की लिख दिया था, तो इस टाइप से वो पास्चर लैंड वाला ऑप्शन नहीं था। दूसरा, ये जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है, इससे दो क्वेश्चन रिलेटेड है। पहला ये है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर की इशू थे, आपको पता है कि 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, बट वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाया। तो 70 के टाइम पर, अगले 5 साल बाद, 70 के टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी, ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जिसने 76 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट में इसने दो चीजें बोली थी, मीन्स वो 65 में जब बना, अपने 65-66 की टाइम पे पंचायत राज सिस्टम आया था, तो इसने ये बोला था कि फॉरेस्ट के साथ जो इशू है, पहला तो ये है कि उस टाइम पे फॉरेस्ट थे स्टेट सब्जेक्ट, जो 1935 के एक्ट से स्टेट सब्जेक्ट बने हुए थे। तो बोला, जो फॉरेस्ट है उन्हें स्टेट सब्जेक्ट के उन्हें वहां से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, जिससे सेंटर भी उस पर लॉ बना सके। तो एक तो ये बोल के गया, अब जब इसने ये बोलेगा तो फॉरेस्ट को कुछ क्लासिफाई भी करेगा। तो इसने बोला कि फॉरेस्ट जो है उन्हें तीन बेसिक टाइप से होना चाहिए। एक वो होना चाहिए जो हमारा प्रोटेक्शन पर्पज हो, जैसे इन्वायरमेंट वाला है, हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो 33% वाला एम है फॉरेस्ट कवर का, वो वाला है। दूसरा बोला कि ये तो ये प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा बोला एक प्रोडक्शन फॉरेस्ट होना चाहिए, जिसका पर्पज हम प्रोड्यूस ले सकते हो उससे, मतलब एक ऐसा आपके पास एरिया हो जो केवल पूरा प्रोटेक्शन के काम हो, दूसरा ऐसा हो जैसे खेती बाड़ी करते उस टाइप से फॉरेस्ट को ग्रो करें। और थर्ड पर्पज था, बोला हमें सोशल फॉरेस्टी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है उस पर हाई प्रेशर हो रखा है सोसाइटी का, तो उसे उसी के पास फॉरेस्ट उगा दो, जिससे उसकी डेली नीड्स जो रिक्वायरमेंट है वो वहीं पर फीड हो जाए।
जिसका बेनिफिट ये होगा कि जो प्रोटेक्शन वाला पर्पज है वहां पर ये लोग हार्म नहीं पहुंचाएंगे। अब इससे एक चीज और लिंक है, तो ये तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब आया, 76 में, ये भी पूछा गया है। इसके जो ये तीन टाइप है, 1, 2 और 3, ये तीनों ही पूछे जा चुके हैं। इससे एक चीज और लिंक हो जाती है कि इंडिया में जो सोशल फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई वो भी यही 76 के टाइम पर हुई। उसी टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, और ये जैसी रिपोर्ट आई तो उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री यहाँ पर जो प्रमोट किया है तो इसी का रिजल्ट हुआ। और सबसे पहले फर्स्ट स्टेट था वो गुजरात था जिसने सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। लीगलिटी के बेसिस अगर एक्ट के बेस पे बोलेंगे तो अपना एक ही एक्ट है अभी तक, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, यही चल रहा है। आपसे तो एक्ट की सीधा सीधा ये 1927 पूछ लिया जाता है। फॉरेस्ट लेजिस्लेशन और पॉलिसी में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेंगे, यहाँ पर केवल इतना याद रखना है कि 27 जो एक्ट है 1927 में आया। इसके बाद इंदिरा गांधी भी इसे एक लेके आई थी 1980 में, तो इसे भी याद रख लेना। ये 3-4 पेज का ही काम है इसमें, तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। डिटेल जो है वो 27 के में ही है। अब ये 27 के में मुद्दा क्या है, 27 के में तीन टाइप के फॉरेस्ट बोला जाता है। एक बोला, एक तो है जो प्रोटेक्टेड है, ये वो फॉरेस्ट है एरिया। इन्होंने इस टाइप से किया कि जैसे ये कोई विलेज है और ये जंगल है, तो इन्होंने बोला कि ये जो विलेज है उसके आसपास का जो फॉरेस्ट है, ये मान लो ये है विलेज फॉरेस्ट, ठीक है, जिसे ये विलेज वाले यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है, इसे बोल दिया प्रोटेक्टेड, ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। और तीसरा जो है वो बीच का एरिया है, ये मतलब एक टाइप से रिजर्व है जो दोनों के बीच का एरिया है। अब यहाँ पर अपने लिए मुद्दा क्या है, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927, उसमें 9 समथिंग चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर के अपने नाम है। वो नाम वाली बात अलग है, लेकिन यहाँ पर याद ये रखना है कि किस चैप्टर में क्या है। तो जो चैप्टर 2 है वो है रिजर्व। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला ना, सबसे पहले अपने पास रखा, इसके बाद फिर गांव वालों को दिया, तीसरा, बीच में जो बचा इसके बाद वो आएगा अपना चौथा यहाँ आएगा। तो पहले गवर्नमेंट अपने पास हिस्सा रखेगी फॉरेस्ट का, जो बचा वो गांव वालों को, मतलब दूसरा पार्ट गांव वालों को दिया, और जो रिमेनिंग आएगा वो अपने पास रखेगा। तो याद ये रखना कि चैप्टर 2 है रिजर्व, 3 है वो गांव वालों को, और प्रोटेक्टेड जो है वो 4th नंबर के चैप्टर के अंदर आते हैं। इसके बाद दो टर्म और आ जाते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं होता हमारे लिए, यहाँ पर टर्म में पढ़ लोगे तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बस मुद्दा इतना कि कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व जो है वो फॉरेस्ट एक्ट के अंडर ना होकर के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 27 के अंडर है। इसके बाद आता अपना पॉइंट ग्रोविंग स्टॉक। इस पे क्वेश्चन दर आए हुए हैं, इसमें बस यही है कि ग्रोविंग स्टॉक होता क्या है, जो टर्म है उसी से आया है। तो इसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आपने काफी पढ़ ही रखा होगा। इसके बाद जो क्लाइमेटिक या इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्रोबेबिलिटी है आपका एक क्वेश्चन इससे 100% आ जाता है। किसने दिया, चैंपियन एंड सेस ने, कब दिया, 1968 में, ये डेट लगभग पूछी ही जाती है। इन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट को टोटल 16 टाइप से डिवाइड किया, 16 टाइप में डिवाइडेड किया। इसके सब टाइप है लगभग 160 के अबव है, 170 समथिंग, उसे नहीं देखना है, केवल इतना याद रखना है कि 16 टाइप है। इन 16 टाइप्स को 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मतलब 5 ग्रुप में बांट दिया इन्होंने। अब आपको याद क्या रखना है, एक चैंपियन एंड सेठ, दूसरा 1968, थर्ड 16 टाइप, और फोर्थ ये है जो 5 मेजर ग्रुप है, ये 4 पॉइंट आपको याद ही रखने हैं। इसके बाद ये जो 16 ग्रुप्स हैं, यानी कि जो 16 टाइप्स हैं, क्या आपको हर एक को याद रखना होगा? अगर हर एक को याद रखोगे तो इसी में डूब जाओगे, हर एक को याद रखने की हमें जरूरत नहीं है। हमें यहाँ क्या याद रखना है, एक तो पहला याद रख लो कि ट्रॉपिकल ये जो वेट एवरग्रीन है वो पहला वाला है, फर्स्ट ग्रुप। दूसरा याद रखना है ग्रुप नंबर 4, ये है अपना लिटोरल एंड स्वैम्प।
ये जनरली पॉसिबिलिटी ये रहती है, जिसमें लिटोरल एंड स्वैम्प है। मतलब लिटोरल मतलब किसके पास है, कोस्टल एरिया के पास, मतलब इसमें क्या आ जाएंगे, मैंग्रोव्स वाले। तो पहला ग्रुप याद रखना है, चौथा नंबर का ग्रुप याद रखना है। पांचवा हम इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि ये जो ड्राई डेसिडुअस है, ये जितना भी जो अपने सेंट्रल एशिया के, अपने सेंट्रल इंडिया के जो है, जैसे एमपी के फॉरेस्ट है या राजस्थान से जो लगा हुआ है रीजन है, तो ये सब के सब कैसे हैं, ड्राई डेसिडुअस। और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ही है इंडिया की जो अपने मेजोरिटी के कंपोनेंट है वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बनाते हैं। इनका एक्चुअल में कितना परसेंटेज है, इसे आप देख सकते हो, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें मिल जाएगा। लेकिन हमें याद क्या रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर आया आ जाता है, वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट है जो सबसे बड़ा पार्ट बनाता है। तो आप खुद ही सोचो कि देखो, ट्रॉपिकल हमारे यहाँ सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है, क्योंकि यूपी तक कवर कर रखा है, तो मेजोरिटी एरिया तो देश का ट्रॉपिकल नहीं कवर कर रखा है। अब वहां पर दो मिल जाएंगे ऑप्शन ट्रॉपिकल के, एक होता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और दूसरा ट्रॉपिकल मॉइस्ट। आप खुद ही सोचो, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर चाहिए, हमारे यहाँ तो वैसे भी मानसून जैसी कंडीशन है, तो ऑब्वियसली हमें मॉइस्ट कंडीशन थोड़ी कम पड़ जाती है। इसका मतलब है ड्राई डेसिडुअस वाले फॉरेस्ट ही सबसे बड़ा कंपोनेंट बनाते हैं, तो जनरली ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ही अपना आंसर रहेगा वहां पर। दूसरा, यहाँ ये देख लो कि ड्राई डेसिडुअस कौन से है, ग्रुप 5 में। अब ग्रुप 6 जो है, इसे इसलिए याद रखना होता है क्योंकि ये है थॉर्न। थॉर्न कहाँ पर है, राजस्थान, और आप पेपर किसका दे रहे हो, राजस्थान का, इसलिए आपको ये थॉर्न याद रखना पड़ता है। दूसरा, ये जो दूसरा ग्रुप है, यहाँ पर एक ही नंबर याद रखना है, वो है ग्रुप नंबर 9। इसमें कौन आता है, पाइन फॉरेस्ट। आईसीआर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो पाइन फॉरेस्ट है वो किस ग्रुप के अंडर आते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, ग्रुप नंबर 9। आपसे एक्चुअली क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, आपसे फॉरेस्ट का नाम दे रखा है, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर अंडर, ऑप्शन आएगा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 9, इस टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्शन आते हैं, तो उसमें आपको ये पाइन फॉरेस्ट किस में कवर होगा, ग्रुप नंबर 9 में। इसके बाद यहाँ और ध्यान नहीं देने का है, बस इतना याद रख लेना कि जो एल्पाइन फॉरेस्ट है ये सबसे लास्ट वाले हैं। मतलब लास्ट वाले कौन से आएंगे, 15 और ये 16, ये गलती से 12 है, इसे 16 कर लेना, ये 16 नंबर का है। इससे ज्यादा हमें फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, मीन्स जो लास्ट में आपका इस नोट्स के 12 नंबर का जो चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, उसमें फॉरेस्ट का बहुत लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है एमसीक्यू वालों को। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमने जो फॉरेस्ट था उसे कवर कर लिया, तो अब अपना पास्ट फॉरेस्टी वाला था सेकंड पार्ट। इसकी डेफिनेशन आप देख लोगे, डेफिनेशन मैंने बोला बहुत याद रखने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये इस टाइप की डेफिनेशन, ये ट्रिपल स्टार लगा है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन आ रखा है और लगभग एक बार आता है या दो तीन बार आता है, तो मैं एक स्टार लगाता हूँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन 5-10 बार पूछ लिया तो मैं ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी बोला आपको क्वेश्चन कैसा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो गया, और यहाँ पूरा पूरा ये डेफिनेशन उन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा होगा, और यहाँ पर लिख रखा होगा कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, और यहाँ पर सब कुछ मेंसुरेशन, इस टाइप के ऑप्शन दे देते हैं। तो फॉरेस्ट्री क्या है, एक साइंस है पूरा पूरा, जिसमें थ्योरी भी है और उसका प्रैक्टिकल भी है, कि हम फॉरेस्ट को कैसे क्रिएट करें, उनको कैसे कंजर्व बचाएं और उनका मैनेजमेंट कैसे करें, और हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली हम उसे यूटिलाइज करेंगे। तो इस टाइप से जो यूटिलाइजेशन पर्पज है वो हम फॉरेस्ट्री में देख लेते हैं। अब फॉरेस्ट्री का भी क्लासिफिकेशन है, तो ये दो है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब हम बहुत तेजी से उसे, मतलब जैसे एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है पंजाब वाले कर रहे हैं उस टाइप का, और एक्सटेंसिव तो समझ रहे राजखाजी काम चल रहा है, फेंक दो कुछ तो हो ही जाएगा। अब ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, ये सब आप देख चुके हैं, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ याद क्या रखना है वो अपना पॉइंट है। आपको पता है कि यहाँ पर एक प्रोटेक्शन है, प्रोडक्शन है और सोशल है, जैसा कि अपने किस में पढ़ा था, ये अपने पढ़ा था 76 का जो एनसी कमीशन की रिपोर्ट थी, 1976 की, उसने यही तीन बोला था, प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन और सोशल। तो जो सोशल फॉरेस्ट है, अब आपको याद क्या रखना है कि ये जो चार पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट सोशल फॉरेस्ट्री के पार्ट हैं।
क्वेश्चन कहाँ आएगा? क्वेश्चन ये आ जाता है, कंफ्यूजन जो होता है वो यहीं पे होता है कि ये चारों पॉइंट सोशल फॉरेस्ट्री के पार्ट है ना कि एग्रो फॉरेस्ट्री के। फार्म फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर आती है ना कि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर। सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या डिफरेंस है अभी थोड़ी देर में बताएंगे। दूसरा है रिक्रिएशन। देखो सीधा सा डिफरेंस होता है कि अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसे प्रमोट कर रही तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है तो सोशल फॉरेस्ट्री, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोसाइटी के पास फॉरेस्ट पहुंचा रही है। तो डिफरेंस ये हो जाता है कि जो फार्म फॉरेस्ट्री है उसमें ये फार्मर क्या करता है, जैसे उसका ये फार्म है उसमें कोई एक एरिया उसने पकड़ा और इसमें पूरे में पेड़ 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 लगा दिए, तो जो पूरे में पेड़ लगा दिए इसे बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री जैसे कि एस्थेटिक पर्पज वाले हैं, जब आप किसी नेशनल पार्क में एंट्री करने जाते हैं तो दोनों साइड में जो बहुत सारी ग्रीनरी लगा देते हैं वो है। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, अब एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप एक्सटेंड करके खींच तान के बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये भी वही है कि जब आप फॉरेस्ट को फॉरेस्ट एरिया से बाहर लेके जा रहे हो। और लास्ट है अर्बन फॉरेस्ट्री जो सिटी वाली है, सिटी में जो लगा रहे हैं दिल्ली वाले हैं, तो ये अर्बन फॉरेस्ट। तो ये चारों के चारों पॉइंट जो है वो सोशल फॉरेस्ट्री का पार्ट है ना कि एग्रो फॉरेस्ट्री का। एक टर्म और आ जाता है यहाँ पर इसी से जोड़ सकते हो, वो है इकोनॉमिक या कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक फॉरेस्ट्री ये भी कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री जो है वो भी इसी का पार्ट रहा। अब प्रोटेक्शन इससे कोई लेना देना है नहीं आपको, और बकाया कितने देख लेना। एक रहा सिल्विक्स और सिल्विकल्चर। अब आपको यहाँ देखना क्या है, एक तो आपका क्वेश्चन सीधा लिख के आएगा कि आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप ये क्या है। ऑप्शन पहला सिल्विक्स, दूसरा सिल्विकल्चर, थर्ड फॉरेस्ट्री, फोर्थ मेंसुरेशन। तो वो क्या है, फॉरेस्ट्री को कल्टीवेशन का आर्ट एंड साइंस, वो क्या है सिल्विकल्चर, या फिर केयर एंड कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, वो भी क्या है सिल्विकल्चर, थर्ड थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग फॉरेस्ट क्रॉप, ये भी क्या है सिल्विकल्चर। तो यहाँ तीनों डेफिनेशन का पर्पज यही है कि एक बार आप पढ़ लेते हो तो आपको ये याद रहता है कि ये तीनों के तीनों सिल्विकल्चर के लिए है। पर्पज वही है, याद नहीं रखना है, बस इतना हो जाना चाहिए कि ये पढ़ लिया तो ये पता है कि ये मतलब सिल्विकल्चर, ये फॉरेस्ट या कोई और चीज तो नहीं है, तो अपना इतने से काम हो जाता है। अब इसे चैंपियन एंड सेस ने दिया नहीं दिया कोई लेना देना नहीं है, अपने पर्पज का तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आता है कि जैसे अपने लिए सिल्विकल्चर है फॉरेस्ट वालों के लिए, वो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए वो सिमिलरली एग्रोनॉमी है। वो यहाँ पर बेसिक पर्पज नहीं है, लेकिन कभी कभार बाई चांस क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में मिल सकता है। यहाँ पर आपको सिल्विकल्चर की डेफिनेशन याद रख लेने की है। सिल्विकल्चर है क्या, कोई प्लांट है उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसकी स्टडी करना और उसके जनरल कैरेक्टर की स्टडी करना। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्विकल्चरल स्टडी। अब सिल्विकल्चर के ऑब्जेक्टिव क्या है ये अपने लिए मेन मुद्दा नहीं है, इसे आप जानते हो पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं है इसके लिए। यहाँ पर सिल्विकल्चर और सिल्विक्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी अपने लिए इशू नहीं है। इसका सिल्विकल्चर की अदर ब्रांचेस से कैसे लिंकेज है ये अपना पर्पज नहीं है। रोल ऑफ फॉरेस्ट एमसीक्यू वालों के लिए, देखो यहाँ पर ये पेज इनफ है, एक बार आपने देख लिया होगा आपको समझ में आ गया। यहाँ पर अपन केवल इतना देख सकते हैं कि रेनफॉल की अगर बात की जाए तो ये 5 से 10% रेनफॉल को एवरेज पर आते हैं। 5 से 10% कोई बहुत बड़ा डाटा भी नहीं है, आसानी से याद रखा जा सकता है, ये कभी वैसे पूछा भी नहीं है अभी, पर्पज है सिंपल। अब मुद्दा आता अपना हिस्ट्री वाला पार्ट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो यहीं से आते हैं। अब यहाँ पर वैदिक पीरियड में कौन से वनों को क्या बोलते हैं ये इतनी बकैती में हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल ये ढूंढ के देख लो कि राजस्थान वाले को क्या बोलते थे। तो यहाँ कहीं राजस्थान का दिख रहा है, साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, नॉर्थ साउथ, ठीक है, नियर ग्वालियर, एक मिनट। तो यहाँ पर जैसे कंजर वन वगैरह है,
इसमें देख लेना कोई राजस्थान कोई डिनोट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है तो बस यहाँ पर देख लेना। एक तो वामन वन है, ये नियर ग्वालियर वगैरह बोल रहा है, मतलब राजस्थान के पास है, और कंजर वगैरह देख लो, और इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। यहाँ पर मुद्दा अपना ये है, ये कुप्या अध्यक्ष है, ये मौर्यों के टाइम पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेड होता था, देखो अध्यक्ष वैसे भी है और कुप्या बोला जाता था फॉरेस्ट को, तो टर्म ये पूछा गया है कि कुप्या का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय कुप्या। तो ऑप्शन फर्स्ट आता है इस टाइप का के कूप, जैसे भी अभी फॉरेस्ट में पढ़ते हैं तो कूप मतलब क्या आ गया, फॉरेस्ट, तो कुप्या का मतलब ये हो गया फॉरेस्ट। उन्होंने इस टाइप के ऑप्शन दे रखे थे कि एनिमल था उस टाइम पे, या फॉरेस्ट था, या एग्रीकल्चर लैंड की यूनिट थी, जो एग्रीकल्चर वाले का था उसका फार्म लैंड की यूनिट थी, इस टाइप का ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने। तो कुप्या मतलब क्या था अपना, फॉरेस्ट। रिमाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस ये जो टेबल है ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है। पहला यहाँ पर टीपू सुल्तान वाला मैंने बता दिया था कि इंडिया में यूकेलिप्टस जो सबसे पहले जो नंदी हिल्स में है ये पूछा गया है, और किसने इंट्रोड्यूस किया था यूकेलिप्टस सबसे पहले, टीपू सुल्तान ने, कब किया था, 1719, ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी रेड है वो सबके सब पूछे जा चुके हैं, रिमेनिंग भी है जिन्हें याद रखना है, जैसे कि इंडिया में जो फर्स्ट जू है वो कब बनाया गया, वो बनाया 54 में, मतलब 1857 में जो क्रांति हुई थी उससे लगभग 3 साल पहले। कहाँ पर बनाया गया, कलकत्ता में, क्यों, अब ऑब्वियसली उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे वो वहीं पे थे, तो इसलिए वहीं पे बनाया गया। रिमेनिंग को पढ़ लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, लगभग 65 में, 1865 में सबसे पहला जो एक्ट था वो 65 में ही आया। फिर 78 में जो स्कूल था अपना, जिसे आज हम FRI बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो 78 में स्टार्ट किया गया था एज ए स्कूल, बाद में उसको 1906 में FRI में कन्वर्ट किया गया, एक इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट किया, फॉरेस्ट स्कूल को एज ए इंस्टीट्यूट जो है वो 1906 में कन्वर्ट किया गया। ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी पूछी गई है, ये जो रिपोर्ट है 1990 में आई थी वॉलकर की रिपोर्ट, वो जब हम फॉरेस्ट पॉलिसी का रिव्यू पढ़ेंगे तब इसको वॉलकर काफी चलेगा, ये 100% इस पे दोनों ही पूछा जा चुका है, 80-90, और ये वॉलकर स्टोरी क्या उस टाइम पे कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा लोड बढ़ जाएगा। फिर वॉलकर की रिपोर्ट आई तो उसी की वजह से 4 साल बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, क्योंकि वॉलकर ने रिकमेंडेड किया था कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है, अदरवाइज यहाँ की एग्रीकल्चर का भला नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर आपने पढ़ा होगा 75 से 80, मतलब 1870 से 1880 के बीच में साउथ इंडिया में अकाल पड़ गया था, तो ये जो अकाल पड़ रहे थे बहुत ज्यादा पड़ रहे थे। रीजन क्या था, एग्रीकल्चर क्यों डूब रही थी, क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट एरिया से जो फर्टाइल सॉयल आती थी, मतलब जो एलुवियल सिल्ट आता था फर्टाइल, वो नहीं मिल रहा था, और लोग खाद बीज तो उतना ज्यादा डालते नहीं थे आर्टिफिशियल, तो इस टाइप से क्राइसिस बढ़ रही थी। और ब्रिटिश क्या कर रहे थे, वो तो फॉरेस्ट को काट काट के एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वॉलकर ने ये बोला था कि ये फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहा है, तो एग्रीकल्चर में इसे रोको, फॉरेस्ट को बचाओ, इस वजह से ये फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। फिर ये इसी में ये ने रिकमेंडेशन किया था कि वाइल्ड लाइफ को भी थोड़ा बचाना है, ये वाइल्ड लाइफ के लिए इन्होंने फर्स्ट जो बनाया वेदनथंगल, ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे याद रख लेना, ये 1898 है, ये वही डेट है जब स्वामी विवेकानंद अपने यहाँ वापस आए थे, वहाँ शायद या तो उस टाइम पर डेथ हुई या फिर उन्होंने एक जो मिशन था उसकी स्टार्ट की थी। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है वो, ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है ये 1905 में बनी, और 1906 में अपना क्या बना, 1905 या 6 में, एक बार एग्जैक्ट देख लेना, वो 1906 शायद FRI जो बना वो उसी टाइम पर बना। फिर ये चलता रहेगा, इसे देख लेना जितने भी है, इसमें छोड़ना कोई भी नहीं है, सबके सब दर इम्पोर्टेंट वाले हैं, इसमें MCQ वालों के लिए, तो ये पूरा टेबल जो है वो MCQ वालों के लिए ही है। इसमें प्रोजेक्ट जितने भी है वो कौन सा कब स्टार्ट हुआ वो है, एक अपना उससे आता है 52 में, इसमें होगा मेंशन, 48 में ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री जो बना, इस पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, वन महोत्सव से दर क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, ये इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब बना 52 में, इन पर क्वेश्चन आए हैं, तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड चैप्टर देख लेते हैं, मुद्दा है साइड फैक्टर।
जैसे इसमें ये अपने आपने लेक्चर देख रखा होगा तो इसमें कोई इशू नहीं है, सब चीजें आपको पता है, बस यहाँ ये बताना है कि इसमें याद क्या रखना है। तो पहला तो अपना जो क्वेश्चन आता है उसमें ये आता है कि कौन सा फैक्टर है जो साइड फैक्टर नहीं है। तो आपको पता है कि चार फैक्टर अपने बेसिक होते हैं, क्लाइमेटिक, एडेफिक, टोपोग्राफिक और बायोटिक, जिन्हें जनरली आपको नोट्स में 4F के नाम से मैं सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ। 4 फैक्टर मतलब क्लाइमेटिक, एडेफिक, टोपोग्राफिक एंड बायोटिक, ये चारों के चारों साइड फैक्टर है। वहां पर जो होगा जनरली ऑप्शन में तीन इस टाइप के फैक्टर लिखे होंगे और चौथा ऑल ऑफ दीज, और वही अपना आंसर आ जाता है। साइट मतलब लोकेशन, तो इसका बस टर्म पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया कि साइट क्या है, तो साइट फैक्टर भी आपको समझ में आ गया। दूसरा मुद्दा आता है साइट क्वालिटी, 100% इस पे क्वेश्चन आता ही है। साइट क्वालिटी पे क्वेश्चन क्या आता है, उसका सीधा एक ही डेफिनेशन आता है कि रिलेटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ साइट, इतना ही लिखा होता है। ये पर्टिकुलर, ये तो डेफिनेशन तो अच्छा है लेकिन पर्पज जो ऑब्जेक्टिव है उसमें केवल इतनी से वो काम चला लेते हैं, उन्हें ज्यादा की जरूरत नहीं है। कि किसी सॉइल जो है उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वही उसकी साइट क्वालिटी होती है। अच्छा प्रोडक्शन दे रही मतलब अच्छी क्वालिटी है, घटिया प्रोडक्शन मतलब घटिया क्वालिटी है। अब साइट क्वालिटी को डिटर्मिनेट कैसे करते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड में हम उसका साइट इंडेक्स से यूज कर लेते हैं, या फिर जो जनरल फिजिकल कैरेक्टर है उसके बेस पे कर लेते हैं। तो साइट इंडेक्स जो है वो साइट क्वालिटी को निकालने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन कैसे आए, उन्होंने बोला कि साइट क्वालिटी को कैसे निकालते हैं, तो ऑप्शन होगा पहला है साइट टेबल, साइट इंडेक्स, वहां पर तीसरा है कुछ और इस टाइप के खाली पीली के ऑप्शन भी रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि साइट इंडेक्स और साइट टेबल, देखो टेबल टेबुलर फॉर्म होना उसका क्या पर्पज है, अपन को तो इंडेक्स देखना है ना, तो साइट इंडेक्स ही उसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट साइट इंडेक्स क्या है, एक बार पढ़ रखा होगा तो डिटेल देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। साइट क्लासिफिकेशन, ये खाली पीली की चीज है आपके लिए, बस ये है कि यहाँ पर ये है कि हमें जो डायरेक्ट मेजरमेंट जो है कि कोई देखो ऐसा है कोई साइट है बहुत अच्छी है बेकार है तो उसको कैसे देखोगे आप किसी भी एरिया में, ऐसा तो है नहीं कि लैबोरेटरी पूरी साथ में लेके चल रहे हो। सीधी सी बात है कि किसी एरिया में गए और वहां पर देखा कि अगर पेड़ों की हाइट बहुत अच्छी है, मतलब साइट ऑब्वियसली साइट बहुत अच्छी है। रीजन ये है कि हाइट और डायमीटर दो ही चीजें होती है, अगर अच्छी फर्टाइल है तो अच्छी होगी। जैसे ऐसे समझ सकते हो इंसानों में, जैसे अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं खाने को नहीं मिलता, बचपन में नहीं मिला तो उनकी जो हाइट है वो कम रह जाती है। देखो मोटे वो हो जाएंगे, वो सेकेंडरी ग्रोथ बाद का काम है, लेकिन सबसे जो पहले इम्पैक्ट पड़ता है वो उनकी हाइट पे पड़ता है। और जो अमीर है उनने बहुत अच्छी तरह से खाया है, उनने कॉम्प्लेन पिया है, खंबे पे भी लटके हैं, जो भी है उन्होंने मेडिसिन भी की हेल्प ली, लटके भी है और कॉम्प्लेन भी पिया है, तो उनकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। गरीबी के पास कॉम्प्लेन पीने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसका पर्पज ये है कि हाइट एक अच्छा इंडिकेटर है किसी भी साइट की क्वालिटी को। अब हाइट ही क्यों, डायमीटर क्यों नहीं, क्योंकि लंबाई जो है वो सीधे दिख जाती है, क्योंकि लंबाई में जो पेड़ों की लंबाई में जो फर्क आता है वो मीटरों में आता है, 4 मीटर, 5 मीटर, तो आदमी इसलिए समझ में आ जाता है। कोई जो प्लांट है जो 21 मीटर का ग्रोथ कर सकता है, हाइट पकड़ सकता है, वो वहां पर 14 या 12 मीटर है, 12 मीटर 14 मीटर ही ग्रो कर पा रहा है, मतलब 5 मीटर का जो डिफरेंस है वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। जबकि डायमीटर में जो डिफरेंस आता है वो कुछ सेंटीमीटर या एमएम में होता है, मिलीमीटर में, उसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है क्लाइमेटिक फैक्टर। ये टॉपिक ऐसा है इस पे ये समझ लो आपके राजस्थान में एक क्वेश्चन तो आना ही है। पहला क्वेश्चन आता है वो सोलर कॉन्स्टेंट पे है। सोलर कॉन्स्टेंट है क्या, आपको यहाँ पर जैसे ये वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल है उस पर अपलोड होगी, उसके साथ ही आपको सिल्वी कल्चर के जो मेरे एकेडमिक टाइम के जो नोट्स थे आईसीआर के लिए वो नोट्स भी वहीं पे अपलोड होंगे नीचे। वहां पर आपको ये सोलर कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन देख लेना है और लिख लेना है। इसकी लगभग यूनिट जो होती है वो 2 किलो कैलोरी पर कुछ सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, इस टाइप की कुछ यूनिट है। तो ये से याद रख लेना, इसे भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये सीधा का सीधा इस पे क्वेश्चन आए हैं। वहां जो नोट्स में लिखी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिखी है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो है अल्बिडो। अल्बिडो का दर क्वेश्चन आया है। अल्बिडो पे जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं, एक तो अल्बिडो की डेफिनेशन कि जो सोलर रेडिएशन जो ऊपर से आ रही है और वो बिना चेंज वापस
चली जा रही है स्पेस में, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अल्बिडो। एक टर्म और है जिसे बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक विंडो, एटमॉस्फेरिक विंडो। तो ये एटमॉस्फेरिक विंडो पे भी दर क्वेश्चन आए हैं। ये होता क्या है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही रिएक्ट करता है, मतलब उसकी वेवलेंथ की पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ ही रिएक्ट करता है। कुछ वेवलेंथ ऐसी होती है जिनके साथ हमारा एटमॉस्फेयर रिएक्ट नहीं करता, उसका रिजल्ट ये होता है कि वो वेवलेंथ जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करके अर्थ की सरफेस तक आती है वैसी वो यहाँ से निकल लेती है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो इसलिए हम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को हम ये बोलने लगते हैं कि एटमॉस्फेयर इसके लिए खिड़की की तरह काम करता है कि भाई इधर से गेट से निकलो और खिड़की से कूद के निकल जाओ, इससे कोई रिएक्ट नहीं करता। इंसुलेशन की ये जो अल्बिडो की बात की जाए, इसको एक डाटा जो याद रख सकते हैं कि जैसे ये अपना हिल्स है, ये पहाड़ी है और ये वाटर है। तो वाटर के लिए जो है वो लगभग 10% या 5 से 10% के समथिंग रहता है, मतलब वाटर पे जितना भी सोलर रेडिएशन घिरेगा वो 90 to 95% एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि ये जो स्नो है, स्नो के केस में जो भी यहाँ पर गिरेगी वेवलेंथ यानी कि जो लाइट आ रही है वो 90% वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए अल्बिडो सबसे ज्यादा होता है स्नो का, सबसे कम होता है वाटर का। ये जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड की लगभग होती है 25%, और जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है उसकी शायद 10% या 15% होती है, शायद 10% होती है। एक बार जो नीचे नोट्स है, जो हैंड रिटन नोट्स है, आपको वीडियो की लिंक जो नीचे मिलेगा मैंने बोला उसमें ये देख लेना, उसमें एग्जैक्टली डाटा लिखा हुआ है, उसी में आपको ये इंसुलेशन का भी मिल जाएगा। आपको बस डेफिनेशन से याद रखना है कि इसकी यूनिट जो है वो वाट पर मीटर होता है। अब आपको पता है इंसुलेशन मतलब जो लाइट की रेडिएशन आ रही, वो वहां पर अगर सोलर सेल पैनल रख दिया तो वो पर 1 मीटर स्क्वायर की जो सोलर सेल पैनल है वो कितने वाट लाइट बना रही है आपको, तो वाट पर मीटर स्क्वायर वो है इंसुलेशन। सोलर रेडिएशन का जो इफेक्ट है उसे आपने आसानी से यहाँ पढ़ लिया होगा। यहाँ पर पर्पज अपना इटियोलेशन टर्म को आपने समझ लिया कि इटियोलेशन अगर किसी पेड़ को ढक दो तो उससे जो क्लोरोफिल हट जाता है, वो पीलापन जो आ जाता है उसी को हम इटियोलेशन बोलते हैं। ये दर क्वेश्चन आया है, रिमेनिंग चीजें खाली पीली की हैं उन्हें आप जानते हो। दूसरा सीड जर्मिनेशन का एक मुद्दा आता है, और एक टाइम टर्म था कार्डिनल, कार्डिनल मैंने कार्डिनल टेम्परेचर बताया होगा, वो टेम्परेचर जिस पे सीड बहुत आसानी से ग्रो करते हैं, जैसे जिसे बोलते हैं कार्डिनल। ये टेम्परेचर जो होता है वो होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ही चीजें याद रखना है, कार्डिनल और ये टेम्परेचर, ठीक है सर। सीड जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है उसे क्या बोलेंगे? कार्डिनल टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन आ रहा है। रिमेनिंग चीजें आपको जानते हो, इतना कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप समझते हो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक टर्म जो अक्सर पूछा जाता है वो है लाइट इंक्रीमेंट, या इसे इसका इम्पैक्ट टिम्बर क्वालिटी पे। तो हमें ये लाइट इंक्रीमेंट टर्म को समझना है, क्योंकि ये सीधा सीधा टर्म है, एक सीधा क्वेश्चन है। इसे यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं कि एक जो वेजिटेशन है, कोई अपना खेत था, वहां पर जब अपन इनिशियल स्टेज में जो प्लांट लगाते हैं, सीडलिंग लगाते हैं, तो उन्हें 1-1 मीटर की स्पेसिंग पे लगा देते हैं। पर्पज ये है कि अगर हमने उन्हें लंबे लंबे लगा दिए तो बीच की जो खाली जमीन पड़ी रहेगी उसका कोई पर्पज तो रहेगा नहीं, और हमें उसमें निंदाई गुड़ाई करनी पड़ेगी, वीडिंग वगैरह, क्योंकि नहीं तो वीड ग्रो कर जाएंगे तो वो कॉम्पिटिशन करने लगेंगे हमारे पेड़ों के साथ। तो हम उसे यहाँ 1-1 मीटर पर लगा देते हैं, फिर टाइम के साथ साथ हम उन्हें हटाते रहते हैं, जिससे जो बीच बीच में पेड़ निकलेंगे तो हमें कुछ कुछ फ्यूल वुड मान लो या कुछ छोटी छोटी टाइप की लकड़ियां हमें बीच में मिलती रहेंगी। ये जब चलती रहते हैं आगे तो धीरे धीरे जो हम बीच में थिनिंग करते रहते हैं उसका एक तो रिजल्ट ये नेचुरल प्रूनिंग जो है, ये भी टर्म कई बार पूछा जाएगा, आपको नेचुरल प्रूनिंग याद रखना है। और फिर इस टाइप से धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो लास्ट स्टेज तक इनके बीच में स्पेसिंग काफी अच्छी खासी हो जाती है। अब होते क्या है कि स्पेसिंग हो गई तो ये जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, पेड़ तो बड़े बड़े हो गए, लंबे अच्छी पकड़ ली, लेकिन इनमें एक्चुअली थिकनेस मोटाई नहीं बढ़ पाई। और हमें तो पता है कि पतले का क्या काम, हमें तो कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क में करना है तो उन्हें मोटा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी हैवी थिनिंग कर देते हैं जिससे उनके बीच की स्पेसिंग इतनी बढ़ जाती है कि लाइट नीचे तक पहुंचने लगती है। इस केस में प्लांट जो हाइट ग्रो कर रहे थे कॉम्पिटिशन के अंडर आकर के, वो कॉम्पिटिशन एकदम खत्म हुआ तो पेड़ साइड में ग्रोथ करने लगते हैं, उनकी मोटाई में ग्रोथ होने लगती है। तो जो इंक्रीमेंट एकदम तेजी से होता है इसी को बोलते हैं लाइट इंक्रीमेंट।
वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर पेड़ नॉर्मल ग्रो कर रहा होते हैं तो इस टाइप की ग्रोथ कर रहा होते हैं, और अगले मान के चलो यहाँ पर पहुंच रहे होते हैं इस एज पे, लेकिन जैसे ही हमने थिनिंग कर दी, एकदम स्पेस हुआ, तो उनकी तेजी से ग्रोथ यहाँ पर हुई है। टोटल वॉल्यूम नहीं, एक किसी पर्टिकुलर पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो पर्टिकुलर पेड़ की जो ग्रोथ है वो हैबिट इस टाइप की जा रहा था, लेकिन एकदम थिनिंग के इफेक्ट ये हुआ कि एकदम साइड से ग्रोथ होने लगी। तो ये थिनिंग का इफेक्ट है उसकी डायमीटर पे ग्रोथ पे। तो लाइट इंक्रीमेंट अच्छा टर्म है, इसे याद रखना है। अब इसके बाद सोलर रेडिएशन एज ए पावरफुल टूल, ये खाली पीली के अपने लिए कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, अब मुद्दा कहाँ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि लाइट डिमांडर ट्री है या सेट डिमांडर स्पीसीज है, तो इसके सीधे क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर बहुत देखो, ये जब आप अगर कोई बुक लोगे तो उसमें ये दर होंगे, चार चार पांच पांच एग्जाम्पल लिखे होंगे। अब आपको पता है कि ट्रॉपिकल एरिया में, फॉर एग्जाम्पल पहले ही देख लेते हैं, ये है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, तो क्या लाइट डिमांडर टेम्परेट फॉरेस्ट में एक ही पॉपुलर ही होगा, हजारों पेड़ पड़े होंगे। तो हर पेड़ को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो याद रख लो। और आज तक ऐसा हुआ नहीं है पिछले 15 सालों में, मतलब मैं 2008 से देख रहा हूँ इसे, तो लगभग 12 साल के ऊपर हो गए। ऐसा नहीं है कि इस टेबल से क्वेश्चन बाहर गया, क्योंकि जनरली वो इन्हीं से आ गए। तो मैंने कैसे याद रखा, इसे कर लो PDF। आजकल अपन जो PDF PDF बोलते रहते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट है, ये भी नोट्स आपको PDF में ही मिला है। तो ये PDF में क्या है, पहला पॉपुलर है, दूसरा देवदार है, और तीसरा फिर है। मतलब पॉपुलर को लाइट बहुत चाहिए और देवदार यानी कि सिल्वर फिर को लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तो वो सेट डिमांडर है, उसे छाई चाहिए, और पॉपुलर को लाइट डिमांडर है। तो मुझे सीधा एक क्रम सा याद है कि पॉपुलर है और फिर है बस। या तो ऑप्शन में जनरली हमें मुझे पॉपुलर सीधा के सीधा ऑप्शन में जो पूछा गया वो लाइट डिमांडर में पॉपुलर पूछ लिया। वैसे ही जो सब ट्रॉपिकल है उसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाइनस रॉक्सबर्गी है और यहाँ है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन ऑब्वियसली वैसे फॉरेस्ट में अंदर ही होता है, जो हिमालय रीजन में अंदर की रीजन में होता है। इसको कैसे करता हूं मैं, PQRS होता है, तो PQR, तो इसे PQR करके कर लिया। और इसे जो है डैप्टेरो कार्पस है, आटो कार्पस है, और विजुआ है, इसको मैंने कर लिया कि भाई ये हमें ना डैम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पर, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, क्योंकि वेट है एवरग्रीन, मतलब पानी बहुत बरस रहा है। जब पानी बहुत बरस रहा है तो हमें पानी को स्टोर करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो कंजर्व करने का पर्पज क्या हुआ, यहाँ पर डैम बनाना पड़ेगा। तो डैम मतलब डैप्टर कार्पस, आर्टो कार्पस और मिजुआ। तो इस टाइप से हम तीन बना लेंगे। तो ट्रॉपिकल एरिया के लिए हमारा डैम है, टेम्परेट सबसे नीचे डैम है, सबसे ऊपर PDF और बीच में PQR है। इन तीनों को याद रखना ही रखना है। एक मुद्दा और आता है, इन्हें बोलते हैं सीओफाइट। सीओफाइट कौन से प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो सेड लविंग प्लांट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सीओफाइट। तो ये जो तीन डेफिनेशन है, लाइट डिमांडर, सेड बेयर, इन तीनों डेफिनेशन को देख लेना है, और सीओफाइट को 100%, ये टेबल 100% याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चन अक्सर आने की चांसेस बने रहते हैं, और ये यहाँ पर इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। इसके बाद है टेम्परेचर का मुद्दा आता है, ये जो डायरनल सीजनल वेरिएशन है, वहां पर क्वेश्चन इस टाइप का है कि जैसे टेम्परेचर है उसमें दिन और रात के टेम्परेचर में जो फर्क आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो डायवर्नल है, ठीक है। ये जोन से कोई फर्क अपन को पड़ता नहीं है, और ना ही कोई क्वेश्चन आते हैं इसमें। जो रिमेनिंग होंगे ये नाम इकोलॉजी, जो आपका जनरली सेकंड पेपर होगा उसमें ये सब चीजें पढ़ रखी है, जियोग्राफी में है। यहाँ पर अपना जो मेन इशू था, जो एक्सप्लेन मैं पहले कर चुका हूँ, वो था कार्डिनल टेम्परेचर। पर्पज यही था कि कार्डिनल टेम्परेचर आखिर है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बोला था जो एग्जाम में ऑप्शन आता है वो आता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो कार्डिनल टेम्परेचर जिसपे सीड आसानी से जर्मिनेट होते हैं, और 25 से 35 होते हैं। डिटेल की जरूरत नहीं है, आपने वो पहले पढ़ रखा है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर एक देख सकते हो कि थर्मल डेथ पॉइंट ये है 50 डिग्री सेल्सियस, थर्मल कंपनसेशन पॉइंट ये है 45 डिग्री सेल्सियस, और जो मैक्सिमम रेस्पिरेशन रेट होता है ये है 30 डिग्री। ये कहा 30 डिग्री, तो ये दो तीनों ही याद रखना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री।
इसमें जो मैक्सिमम रेस्पिरेशन वाला है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और थर्मल डेथ पॉइंट शायद कहीं मिला है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ये थर्मल डेथ पॉइंट का किसी एग्जाम में पूछ लिया। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो जैसे अपन मैंने पढ़ रहे थे तो आप ये सब चीजें पढ़ चुके होंगे, तो हाई टेम्परेचर के आपको इफेक्ट पहले से पता है। उसमें एक होता है सन स्कॉल्ड या सन बर्न, जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इसमें लिखा होगा सन स्कॉल्ड या सन बर्न, ये इस पर क्वेश्चन, ये टर्म पूछा जा चुका है कि होता क्या है। तो जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जो प्लांट की जो आउटर बार है वो बर्न हो जाती है। अब मुद्दा है यहाँ पर जो अपना स्नो और फ्रॉस्ट का है, लो टेम्परेचर की, इन पर क्वेश्चन आ रखे हैं। तो पहला तो क्वेश्चन क्या आ रखा है, जो फ्रॉस्ट है उसके टाइप तीन टाइप के हैं, रेडिएशन रेडिएशन है, पूल फ्रॉस्ट और एडवेक्टिव फ्रॉस्ट है। आपको तीनों ही में शायद दूसरे वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो था लेक्चर मैन जो IFS 20 के लिए था, उसमें आप ये तीनों देख चुके हो, इनके टाइप है, कौन कैसे बनता है, ये सब चीजें डिटेल में देख चुके हो। तो यहाँ यही बताना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फ्रॉस्ट की किस टाइप की इंजुरीज है इसे पढ़ लो, इम्पोर्टेंट चीज है। फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन कैसे करोगे ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक जो है वो एक तो मल्चिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन में अपने को जो क्वेश्चन है, दूसरा यहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा भाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन, और एक तीसरा फैन लगाते हैं मॉर्निंग वहां पर नाइट के टाइम पे, स्मोकी कहीं है स्मोकी फायर, एक ये है स्मोकी फायर, मल्चिंग और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सीधे सीधे ऑप्शन आते हैं इनके, ठीक है। यहाँ कहीं फैन भी लगा देते हैं, जैसे कोल्ड एरिया में है या सर मिडिल एल्टीट्यूड रीजन की कंट्री है, वो जो विंड वैन होता है इस टाइप के, उन्हें भी लगा देते हैं। हार्डनिंग ऑफ क्या होता है ये टर्म पूछा जा चुका है, ये तो अभी रिसेंटली जो यूपी का एग्जाम था, UPACF का मेन थ्योरी वाला था, उसमें सीधा हार्डनिंग ऑफ ही पूछ लिया था कि होता क्या है। यहाँ फ्रॉस्ट जो है उसके बेनिफिशियल और जो हार्मफुल इफेक्ट है इस पर क्वेश्चन आए हैं, इसे आपने एक बार देख के समझ ही लिया होगा। यहाँ पर मुद्दा ये है जो आपने याद रखना है कि एप्पल में जो फ्लावरिंग है, जितनी ज्यादा एप्पल और देवदार, देवदार में रीजनरेशन और एप्पल में फ्लावरिंग, दोनों जितनी ज्यादा स्लो होगी इनमें ज्यादा उतनी ज्यादा होगी, बस इतना याद रख लेना है। और नेगेटिव में मैंने बताया था यहाँ पर फॉर्म्स यानी कि फंजाई है, इसका भी इशू है यहाँ, तो हमें नेगेटिव में इसे याद रख लेना, बकाया की चीजें आपको पहले से याद है। इसके बाद विंड है, विंड के केस में आप पहले से पढ़ चुके हो, यहाँ पर अपना जो मेन मुद्दा है वो है फ्लैग ट्री। क्वेश्चन आता है कि ये फ्लैग ट्री कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलेंगे आपको जो हिल्स हैं उनके टॉप रीजन पर। यहाँ पर विंड थ्रो, जानते हो विंड थ्रो की प्रॉब्लम कहाँ होती है, ऐसे रीजन जहाँ की सॉयल सैंडी टाइप की ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या प्लांट ऐसे प्लांट जिन्हें हमने आर्टिफिशियल नर्सरी में ग्रो करके लगाया है, या खासकर कटिंग वाले, जो कटिंग है बडिंग ग्राफ्टिंग वाले जो होते हैं, खासकर कटिंग वाले जिनके साथ टैप रूट नहीं है, तो ऐसे प्लांट जिनकी टैप रूट नहीं है, या नर्सरी में प्लांट ऐसे हैं जिनकी टैप रूट बैंड हो गई, नर्सरी पॉलीबैग सही से नहीं किया, तो बैंड होने से वो टैप रूट प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती, तो ऐसे प्लांट ज्यादा डीप टैप रूट नहीं होता, तो जनरली हफ्ते हवा में उड़ जाते हैं, तो ऐसे केस में विंड थ्रो का वहां पर इम्पैक्ट पड़ता है। बकाया के रिमेनिंग आपको हुई पहले से पढ़ रखा होगा, ये साल्ट स्प्रे देख लेना। साल्ट स्प्रे क्या होता है, कोस्टल एरिया में जो प्लांट है, तो जब समुद्र की साइड से जो हवा आती है वो अपने साथ साल्ट लेके आती है और उन पर प्लांटों को छिड़क देती है। मॉइस्चर के जो इशू है इतना कुछ है नहीं, आप पहले जानते हो, बस यहाँ पर ये टर्म जो है मैंगो सावर है, किसी दिन को हम रेनी डे कब बोलते हैं, तब जब किसी दिन अगर 2.5 mm से ज्यादा रेनफॉल आ जाए तो हम उसे रेनी डे बोल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहाँ आता है कि इंडिया की एवरेज रेनफॉल कितनी है, तो वो है 110 mm, ये अपने यहाँ की एवरेज रेनफॉल इंडिया की। ड्राउट और फ्लूड से एक फ्लड से एक क्वेश्चन और आता है कि क्वेश्चन इस टाइप के, ड्राउट सेंसिटिव प्लांट और फ्रॉस्ट सेंसिटिव प्लांट, जो पानी के पास उग रहा है वो तो ऑब्वियसली इसलिए उग रहा है क्योंकि वो ड्राउट को नहीं झेल सकते, उन्हें कभी पानी की कमी झेली नहीं क्योंकि वो कोई वाटर या स्ट्रीम के पास ही उग रहा है, तो ड्राउट सेंसिटिव होंगे, वहां जैसा पानी खत्म हुआ है निकल लेते हैं। और ड्राउट हार्डी वो जो राजस्थान जैसे डेजर्ट में उग रहा है, फ्लड में ऐसा कुछ है नहीं, आप आसानी से देख सकते हो। अब आता अपना फोर्थ चैप्टर एडाफिक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें अपन को तीन ही चीज देखना है, सोयल फॉरेस्ट वाली खाली पीली की चीजें आप देख ही लोगे। यहाँ पर मेन मुद्दा है माइकोराइजा, एक तो आपको याद रखना है कि माइकोराइजा टर्म जो है, माइको मतलब फंजाई,
माइकोराइजा टर्म है, मतलब ये फंजाई और हायर प्लांट के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, बस इतने से अपना काम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो इस पे आता है वो है ये माइकोराइजा टर्म किसने दिया, और थर्ड माइकोराइजा की टाइप एक्टो और एंडो। तो ये जो एक्टो एंडो है आपने पढ़ लिया होगा, इसमें जो हार्टिंग नेट और फंगल जो है, हार्टिंग नेट और फंगल जो सीथ या फंगल मेंटल है, इसे आपने वीडियो में पहले देख रखा होगा। ठीक है, आप सबको जिन्होंने पहले से लेक्चर ज्वाइन कर रखा है उन्हें IFS जो 20 के वीडियोस हैं ये उन्हें ऑलरेडी दिख रहे होंगे पहले से। तो उसमें ये तीनों चीजें लेक्चर में पहले से है, क्या है, कैसे काम करता है, ये चीजें वहां पर है, इतना देखने की जरूरत नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि हार्टिंग नेट और फंगल जो मेंटल है ये एक्टोमाइकोराइजा के केस में बनता है। इतना याद रखा, काम हो गया। और एंडो एंडोमाइकोराइजा में क्वेश्चन क्या होगा कि वो जो फंजाई का जो फिलामेंट है वो उसके टिश्यू के साथ डायरेक्ट सीधा सीधा कांटेक्ट बना रहा है, वो है एंडोमाइकोराइजा। दूसरा, ये 90% हर्बेसियस में क्या होता है, ये एंडोमाइकोराइजा होता है, इसी को हम वाम बोल देते हैं। तो वाम कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, और मोस्ट कॉमन कौन सा है, एंडोमाइकोराइजा, ये याद रखना होता है। ठीक है, बका कि आपने पढ़ रखा होगा। अब यहाँ डिफरेंट पे डिफरेंस जो है इस पे क्वेश्चन दर आए अपने। पहला आपको एक्टो पता है, बाहर वाला, ये किस टाइप के फंजाई में होता है, ये एस्को और बेसिडियो में। तो देखो ए और बी में जो है वो एक्टो वाला है, एंडो है वो है फाइको में, लेकिन 90% जो प्लांट्स हैं उसमें यही होता है फाइको वाले में। इसी को क्या बोलते हैं हम, वाम। ये जो एक्टो है ये किसमें होता है, ये है कॉनिफर्स। ये याद रख लेना, इनका तो 100% क्वेश्चन आता है कि एक्टो माइकोराइजा किसमें होता है। तो आपको ये याद रखो कि ये देखो कि कहीं क्या ऑप्शन में कोई कॉनिफर्स वाला है, जैसे कॉनिफर्स वाला मिल गया लगा दो सीधा आंख बंद करके। दूसरा मुद्दा आ जाता अपना यूकलिप्टस, और तीसरा डैप्टेरोकार्पस। डैप्टेरोकार्पस कौन, साल जो है वो डैप्टेरोकार्पस के अंदर आता है, और यूकेलिप्टस बहुत इम्पोर्टेंट है, इतने से काम हो जाता है। और तीसरा ये याद रख लेना कि माइकोराइजा, ये भी देख लो, ये पढ़ लिया होगा आपने कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्या है माइकोराइजा का, कैसे काम करता है, लेकिन ये याद रखो कि माइकोराइजा टर्म किसने दिया, फंक है शायद, नोट्स में नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो माइकोराइजा टर्म जिसने दिया है वो याद रखना है यहाँ पर बाई चांस, क्योंकि ये IFS के लिए तो उसका नाम मेंशन नहीं है यहाँ पर। इनको कैसे इनोकुलेशन करते हैं ये देख लो, देखो इतना कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है MGQ वालों के लिए। तो पहला काम हो गया अपना माइकोराइजा का। दूसरा जो पॉइंट है अपने लिए वो है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर होते क्या है, बस इतना याद रख लो, पर्पज क्या है। बायो मतलब लिविंग थिंग, फर्टिलाइजर मतलब ऐसे केमिकल जो आपकी फर्टिलिटी बढ़ाए, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाए। तो मतलब हम या तो कोई ऑर्गेनिज्म या उससे ऑर्गेनिज्म ने जो कुछ प्रोड्यूस किया उस कंटेंट को, ऑर्गेनिज्म या उसके जो प्रोड्यूस है उनको हम अपने खेतों में या फॉरेस्ट एरिया में डाल दें, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ के हमारे जो फॉरेस्ट क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन बढ़े, उसे हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। इतनी डेफिनेशन आपके लिए इनफ है, कैसे क्या करते हैं लेने देने की जरूरत नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जिस पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आना है वो क्या है। एक है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, क्वेश्चन है वो है बैक्टीरिया। दूसरा है राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो केवल लेग्यूम्स क्रॉप में करता है। दूसरा जो बैक्टीरिया वो है फ्रेंकिया, वो करता है कैजुराइना और एलनस में, ये एल्डर या एलनस दोनों एक ही बात हुई, इन दोनों में करता है। फ्रेंकिया इधर पूछा गया है इस टाइप का आ जाएगा कि नॉन लेग्यूमिनस में नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन सा है, तो वो कौन है, फ्रेंकिया है, और लेग्यूमिनस में कौन सा करने वाला है, राइजोबियम है। दूसरा इस टाइप का आ जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक है, तो सिम्बायोटिक दोनों फ्रेंकिया राइजोबियम में से दोनों में से सीधा सीधा एक मिल जाता है आपको। केवल हमेशा बैक्टीरिया नहीं करते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे बैक्टीरिया है ये फॉस्फेट फॉस्फोरस के लिए, जैसे फ्यूजेरियम है बैसिलासी, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको राइजोबियम और फ्रेंकिया से काम हो जाता है। बायो फर्टिलाइजर का इफेक्ट क्या होगा, अरे भाई इन्हें डाल दोगे तो आप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर वही एक टेबल बना रखी है कि
जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है यानी कि नाइट्रोजन के लिए, वो एक तो नॉन बायोलॉजिकल भी होता है, जैसे कि लाइट जब चमकती है ना बारिश के टाइम पे, तो वो भी नाइट्रोजन के साथ हीट दे देती है, तो नाइट्रोजन नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री नाइट्रोजन उसमें आ जाता है। दूसरा बायोलॉजिकल में एक सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक है, तो बहुत सारे हैं। जो सिम्बायोटिक है वो तो अपना घर बनाएंगे ना, नोड्यूल फॉर्मिंग है। नॉन सिम्बायोटिक में कुछ फ्री होते हैं जैसे बीजी और एजोटोबैक्टर, तो इसे देख लेना। लेकिन अपना मेन मुद्दा रहेगा वो राइजोबियम और फ्रेंकिया से, अपने 99% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है सॉइल न्यूट्रिएंट, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है, और वो केवल इतना ही है कि टोटल इसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा 17। अब अगर ऑप्शन में 17 है ही नहीं तो इन दैट केस वहां पर 16 होगा, तो उसे लगा देने का। ऐसा भी हो सकता है कि ना ऑप्शन में 16 हो ना ऑप्शन में 17 हो, इन दैट केस वहां पर नन ऑफ दीज होगा, तो आप नन ऑफ दीज लगा देने का। और जब नन ऑफ दीज भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो फिर जो इच्छा हो वो लगा दो, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत है और वो कटेगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि ये जो न्यूट्रिएंट है, कौन से न्यूट्रिएंट इसेंशियल है कौन सा नहीं है, ये किसने बताया, तो वो बताया आर नॉन ने। उन्हीं ने एक बोला था, जो पूरी थ्योरी दी थी क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, तो ये पूछा गया ये जो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी किसने दी, वो दी किसने, आर नॉन ने। कितने टाइप के बताए थे आर नॉन ने, 16 टाइप के, बाद में जोड़ के 17 हो गए वो, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि उसने बेसिकली 16 टाइप के बताए थे, तो जो कुछ बूढ़े लोग होते हैं ना वो अभी भी 16 को पकड़ के बैठे रहते हैं, तो इसलिए जनरली कभी कभी 16 ऑप्शन में मिल जाता है। अगर आपको 17 मिल रहा है तो 17 ही लगाना है। अब कौन से है, तो देखो ये जो 17 है इनको दो टाइप से डिवाइडेड किया गया है, एक है माइक्रो और दूसरे है मैक्रो। इन्हें आपको याद रखना है, कौन से, माइक्रो और मैक्रो 17 एसेंशियल एलिमेंट है। अगर आपको एक बात और याद रखें, अगर आपको कुछ पिक्चर होंगी जो अगर आपको नहीं मिली है, तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कर दें, जिससे आपको पिक्चर मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे याद नहीं रहता, या जो ऑपरेटर है कई बार मैंने उससे बोल दिया, लेकिन वर्कलोड इतना होता है कि उसे याद नहीं रहता, या फिर जिस पेज पे वो पूरा जो लिस्टिंग की जाती है नोट डेली वर्क जो है, कई बार वो पेज इधर उधर मिसिंग हो जाती है, किसी बुक में मैं रख दिया है, पता पड़ा कि वो बुक ही हो गई, मतलब इधर उधर कहीं दब गई, तो फिर वो पेज 4 दिन बाद मिलेगा, तो कई बार नहीं हो पाता। तो आप इस चीजों की जो है वो थोड़ा शेयर कर दें, जिससे याद रहे हाँ ये भेजना है। जो एलिमेंट है वो दो टाइप के हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो यहाँ पर जो 17 है उसमें से ये जो एलिमेंट है इन्हें बोलते हैं हम मैक्रो एलिमेंट, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरे रिमेनिंग है वो माइक्रो। तो इनका एक ही तरीका होता है कि इनसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, क्वेश्चन ये आएगा कौन सा है माइक्रो एलिमेंट या कौन सा है जो मैक्रो एलिमेंट है। तो आप माइक्रो को याद रख लो, मैक्रो अपने आप हो जाएंगे, या मैक्रो को रख लो और माइक्रो अपने आप हो जाएंगे, बस इस टाइप का है। तो देखो आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, CHON, ये तो कॉमन सी चीज है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी एक चीज सिंपल सी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये जो 7 है, CHO, देखो CHONPK, NPK तो आपने सुना ही रखा हो, जनरली हम खेतों में NPK देते हैं, और CHO आपको पता ही है, CHONPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो अपने 9 बने ये हैं मैक्रो, और रिमेनिंग जो है वो माइक्रो। तो इस टाइप से गुणताड़ा लिख के काम चला लेते हैं। रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्या करता है, देखो ये लंबा चौड़ा चीज है, इसे पढ़ना होता है, लेकिन दिक्कत वही है कि हर चीज आपको याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो ये जब हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो छोड़। एक मुद्दा ये होता है कि कौन सा एलिमेंट किस टाइप से एब्जॉर्ब किया जाता है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन क्या है कि देखो जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल चला जाता है, तो उन्हें केवल इतना याद रख लो कि कोई भी एलिमेंट डायरेक्ट नहीं होता, वो किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में ही लिया जाता है। इसमें सबसे अच्छा है फास्फोरस, जो या तो H2PO4 या H3PO4, H3 यानी कि H2PO4 या HPO4 2 negative, ये जो दो है इसी फॉर्म में लिया जाता है। दूसरा आपको नाइट्रोजन याद रख लो, और थर्ड होगा यहाँ आयरन, ठीक है, आयरन या तो 2 positive या 3 positive, यही केस चलता है इनका, आयरन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, बस इसे याद रख लो, इतने से काम हो जाता है। बोरोन वगैरह या मोलिब्डेनम की किसी याद रखने की जरूरत नहीं है।
अब इसका नेक्स्ट आ जाता है अपना फिजियोग्राफिक फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर में जो आपने पहले से पढ़ रखा है इतना बताने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर मुद्दा क्या जाता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो क्या बढ़ता है। आपको पता है कि टेम्परेचर नीचे से ऊपर जाने पर गिरता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर नीचे से ऊपर जाने पर गिरता है, लेकिन विंड की स्पीड बढ़ेगी, सोलर रेडिएशन बढ़ेगा, तो इसी से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे आप हाइट पे जाओगे, जीरोफाइटिक कैरेक्टर जो प्लांट का है वो बढ़ेगा, तो ये क्वेश्चन मिल जाता है कि जीरोफाइट कहाँ मिलेंगे, तो आपको हिल्स पे भी मिलेंगे और आपको डेजर्टिक कंडीशन में होगी, जहां पर पानी की कमी होगी वहां जीरोफाइटिक मिल जाएंगे। कैम्योफाइटिक जो टर्म है वो वैसे आपने इकोलॉजी में भी काफी पढ़ोगे इसे, कैम्योफाइटिक जो नॉर्मल वाले हैं वो अपने ये होगा, ठीक है। दूसरा ये हाई जो अल्टीट्यूड रीजन है उस पर ये कैम्योफाइटिक अपने को मिल ही जाते हैं। तो अल्टीट्यूड का कैसे इफेक्ट है इसे आपने पढ़ लिया होगा, इतना अपने मुद्दा नहीं है। ये जो टेबल है इसका पर्पज केवल आईएफएस वालों के लिए है, अपने लिए जो है एमसीक्यू वालों को उन्हें एक इतना याद रखो कि एक तो है रोडोडेंड्रॉन, उन्हें ईस्ट या वेस्ट हिमालय से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें याद इतना रखना है कि रोडोडेंड्रॉन और जो जूनिपर्स है ये होते हैं अपर लेवल पे, मतलब डीप हिमालय में होंगे या बहुत ऊंचाई पे होंगे। कौन? रोडोडेंड्रॉन और जूनिपर्स। रिमेनिंग आपने जितने भी कॉनिफर्स सुने होंगे वो सब के सब यहाँ बीच में पड़े होते हैं। और ये अपने जो एमपी यूपी की जो वेजिटेशन है, राजस्थान की जो वेजिटेशन है, ये सब के सब नीचे पड़े हैं। तो इसे याद रख लेना कि ये लगभग दे देना 1000 फिट, ये 1000 मीटर, ये 1000 से 3000, और ये 3000 के ऊपर जो भी इस टाइप का डाटा जाएगा जनरली यही चलता रहता है, 3 साढ़े 3 के ऊपर ये रोडोडेंड्रॉन जूनिपर्स वगैरह हो जाता है। अब इसके बाद लैटिट्यूड का इफेक्ट इसे पा लिया होगा, इसमें कोई खास ऐसा है नहीं जिसे आपको याद रखने की जरूरत हो। ये अपना जो अर्थ का है मीन्स जैसे अपन जनरली पहाड़ों को ऐसे ही बना देता हूँ मैं, तो ये पहाड़ ले लो या ये अर्थ ले लो बात एक ही जाती है। ये ट्रॉपिकल वाला रीजन, तो ये अपना नीचे वाला रीजन, ये किसी हिल्स का टॉप या अपनी अर्थ का ये पोलर रीजन वाला, एक से ही काम करता है। और आपको ये पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या वेजिटेशन है, इसमें आपको केवल एक ही चीज है जिसका पर्पज है, वो याद रख लेना है कि ये टुंड्रा रीजन कहाँ है। ये स्नो वाले रीजन को बोलते हैं टैगा फॉरेस्ट, क्या? टैगा रीजन। तो यहाँ टैगा याद रख लेना, तो पहले टैगा है फिर टुंड्रा है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है, बस इससे काम अपना हो जाता है। स्लोप का मुद्दा है, इसके बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन आएंगे, इन सब से कोई बखती से फायदा नहीं है। एक सिंपल सा चीज होती है कि वो है जेंटल स्लोप, जब कहीं पे जो एंगल है वो 0 से 5 डिग्री से 5 डिग्री तक का अगर हो तो हम उसे जेंटल स्लोप मानते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन ये है, इसको आप देख सकते हो, तो ये पॉइंट आपने पढ़ लिया होगा, इसमें समझ में भी आ गया, ऐसा कुछ है नहीं इतना ये है। इस पे एक बार एमसीक्यू आया था बस, और कुछ कभी है नहीं। यहाँ पर मुद्दा एक टर्म आता है एस्पेक्ट और दूसरा है एक्सपोजर, मैं वही देख रहा हूँ। तो एक्सपेक्ट या एक्सपोजर जो है ये है, इसका टर्म का मतलब समझ लेना क्योंकि इस पे एमसीक्यू आया है, ठीक है। एक्सपोजर मतलब कोई एक्सपोज हो रही है लोकल वेदर से, किस टाइप से एक्सपोज हो रही है, वो है एक्सपोजर। और एस्पेक्ट तो अपने जो नॉर्थ साउथ या किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से ले लेते हैं, जैसे सन किस तरफ है या सन की दूरी दूर साइड में, वो उसका एस्पेक्ट होता है। एस्पेक्ट और एक्सपोजर से काम चल जाता है, और रिमेनिंग का कोई लेना देना अपने को है नहीं। इसके बाद मुद्दा आ जाता है बायोटिक फैक्टर। तो देखो बायोटिक फैक्टर में अपने को कोई वो नहीं आता है, यहाँ पर अपने बेसिक टर्मिनोलॉजी से फर्क है। देखो कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब मेरा और आपके बीच में कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन दोनों को ही हार्म देता है, मतलब कॉम्पिटिटिव जो रिलेशन होता है वो जनरली निगेटिव जाता है दोनों को। सिम्बायोटिक ये इस टाइप का है, जैसे मैंने एक चैप्टर के नोट्स बनाए, दूसरे के आपने बनाए, दोनों लोगों ने शेयर कर लिए, तो इस टाइप से मैंने एक चैप्टर के बना करके दो चैप्टर का काम कर लिया। तो सिम्बायोटिक में दोनों ही लोग पॉजिटिव जाते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं, फॉरेस्टी के माइकोराइजा है, राइजोबियम। तीसरा पैरासाइटिक, जिसमें एक को तो निगेटिव होता है दूसरे को बेनिफिट है। मैं अभी तक अपने घर वालों पर पैरासाइट हूँ, मुझे तो बेनिफिट है कि वो मुझे 10,000 पर मंथ भेज देते हैं, उनको लॉस है कि उन्हें 10,000 कम हो जाते हैं हर साल, मतलब हर मंथ। तो इस टाइप के पैरासाइटिक, एपीफाइटिक जो दूसरों के ऊपर उग जाए। अब ये एपीफाइटिक पे क्वेश्चन आया, एक तो आता है जो ऑर्चिड्स है या ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर है जो लायनाज होते हैं, ये एपीफाइट है, क्लेम्बर बोल देते हैं,
क्लेमर मतलब जो दूसरों के ऊपर क्लेम कर जाए, चढ़ जाए, इपीफाइट या क्लेमर, वो इपीफाइट की टाइप में से ही आ जाते हैं। इन दोनों पे क्वेश्चन काफी आए हैं, इन दोनों को सेंटेंस समझ में आ जाना चाहिए, बस खत्म काम। ऑर्चिड क्या है? इपीफाइट है, पूरा पूरा पेड़ पे ही उगता है। क्लेम्बर मतलब, क्लेम्बर और इपीफाइट में क्या फर्क है? क्लेम्बर है वो होते हैं जो नीचे उगते हैं लेकिन ऊपर बाद में चढ़ते हैं, और इपीफाइट तो सब कुछ उसकी लाइफ ही ऊपर होती है। ठीक है, प्लांट और एनिमल के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, सिंपल सी है, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं। और मैन प्लांट के बीच में यहाँ अपना कोई पर्पज बेसिक बेनिफिशियल वाला पॉइंट नहीं है। अपना अपना जो क्वेश्चन था वो पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्पिटिशन, जो इस टाइप के रिलेशनशिप आएंगे, इसे आपने एनवायरमेंट में भी पढ़ रखा होगा, वही यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर ये लेक्चर यहाँ रोकना पड़ेगा।